नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्च पैट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 25 फुट बाय 50 फुट के घर के डिज़ाइन की और देखेंगे कि किस तरीके से इस घर का डिज़ाइन किया गया है, कैसा इसका इंटीरियर है और पूरा घर बनाने में क्या इसकी कॉस्टिंग आने वाली है। एंड ये इसके प्लान की डिटेल्स हैं, एक बार आप इसको भी देख लें, समझ लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड की हैं और क्या इसकी कॉस्टिंग है। एक बार हम पूरे घर का बाहर से ओवरव्यू ले लेते हैं। एंड दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको अपने घर का डिज़ाइन करवाना है तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको इसका फ्रंट लुक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसका ड्राइववे है जहां बहुत ही आराम से एक बड़ी सी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और ये है इसका फ्रंट यार्ड जहां आप चाहें तो अपनी बाइक्स भी पार्क कर सकते हैं या फिर इसको सेमी गार्डन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड चलिए अब घर के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। और ये है इसका ड्राइंग एरिया जो कि 11 फुट 7.5 बाय 13 फुट का है, और इस ड्राइंग के बिल्कुल पार्टीशन के साथ ये है इसका डाइनिंग एरिया जो कि 11 फुट 7.5 बाय 8 फुट का है। डाइनिंग के बिल्कुल साथ ये है इसकी किचन जो कि 11 फुट 7.5 बाय 12 फुट 6 इंच की है। एंड इस किचन की जो वेंटिलेशन है ये इसके रियर यार्ड से हो रही है। एंड चलिए दोस्तों अब घर के पहले बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। और ये है बेडरूम नंबर 1 जो कि 12 फुट 3 इंच बाय 12 फुट का है, और ये है इसकी ड्रेसिंग जो कि 4 फुट बाय 5 फुट 6 इंच की है, और इसके बिल्कुल साथ अटैच टॉयलेट जो कि 7 फुट 7.5 बाय 5 फुट 6 इंच का है। और इस टॉयलेट की जो वेंटिलेशन है ये हमने डक्ट के थ्रू की है, अपने फ्लोर से 8 फुट ऊंचा हमने एक डक्ट क्रिएट किया है जो कि ऊपर टेरेस पे जाकर ओपन होगा। जब हम टेरेस पे जाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ये दिखेगा वहाँ। और ये है रियर यार्ड जिसको हमने ग्रीन किया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको यूज में ला सकते हैं। और ये है बेडरूम नंबर 2 जो कि 11 फुट 10 इंच बाय 12 फुट का है, एक बड़ी सी विंडो इसमें प्रोवाइडेड है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है। और इस बेडरूम में 2 डोर्स हैं, एक जहां से हम आए और दूसरा ये जो कि डायरेक्ट बाहर से एक्सेस हो रहा है। और ये है इसका अटैच टॉयलेट जो कि अगेन 7 फुट 7.5 बाय 5 फुट 6 इंच का है, और इसको मैकेनिकली वेंटिलेट किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब इसके फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। और यह है इसकी 3 फुट वाइड स्टेयरकेस जो कि ग्रेनाइट से फिनिश की गई है। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करते ही हमें मिलता है एक बड़ा सा लिविंग एरिया जो कि 11 फुट 7.5 बाय 14 फुट 8 इंच का है,
और ये है बेडरूम नंबर 3 जो कि 12 फुट 3 इंच बाय 12 फुट का है। एक डिसेंट सा साइज है एक बेडरूम के लिए। और ये इसके साथ ये है इसकी एक बड़ी सी बालकनी जहां आप आराम से बैठ के बाहर का व्यू ले सकते हैं। और ये है बेडरूम नंबर 4 जो कि 11 फुट 7.5 बाय 13 फुट 1.5 इंच का है। और ये है इसकी एक बड़ी सी कबर्ड। और ये है बेडरूम नंबर 5 जो कि 12 फुट 3 इंच बाय 12 फुट 6 इंच का है। और इसके साथ इसकी 3 फुट वाइड बालकनी। और ये है एक सीक्रेट रूम जिसे मैं रिवील नहीं कर सकता। एंड दोस्तों इस बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट है जिसको हमने कवर नहीं किया जो कि 9 फुट 10.5 बाय 5 फुट 7.5 इंच का है। चलिए दोस्तों अब इसके टेरेस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन किया है उसको। और ये है इसका टेरेस गार्डन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। और ये है वो डक्ट जिसके हम नीचे बात कर रहे थे, यहाँ से नीचे के टॉयलेट्स की वेंटिलेशन हो रही है। और ये है एक बारबेक्यू, यहाँ से थोड़ा ध्यान से निकलना। दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको इस घर का फ्री प्लान चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये प्लान दे दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।